राइट, वेलकम। तो स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स में जब हम हमारे बच्चे कॉम्पिटिशन देते हैं तो उनके लॉगिन्स में किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट होती है और क्या बेनिफिट उनको उसका जाता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट्स का डैशबोर्ड है, यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम, उनके टीचर्स कौन है, कौन से लेवल, कौन से ग्रुप को उन्होंने एडमिशन लिया है, सभी चीज़ें पता चलती है। साथ में नीचे दो कॉलम्स दिए गए, टूडेज टॉपर्स, इसका मतलब यह है कि इस ग्रुप में, ग्रुप डी में जितने बच्चे ओवरऑल बैठे हैं उनमें से जिनका टॉप 5 आया है उनका नाम यहाँ पर आता है। जैसे कि एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पर लगभग कई बार दिया है, तो पार्थ पांडुरंग कोले कंटिन्यूसली नाम आ रहा है, बीच में सुजाता हरदव डबले का भी आ रहा है, जो अभी स्टूडेंट्स का हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि अब 105 स्कोर आया है, तो इसके आगे कितना स्कोर बढ़ रहा है, गैप कितना है। तो सुजाता नाम की लड़की अभी यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी और यह स्कोर ब्रेक करने की कोशिश करेंगी। इसके थ्रू बच्चों की सबसे पहली बात कि मार्क्स में बढ़ोतरी होती है, स्पीड अच्छी होती है, एक्यूरेसी में बढ़ती है, और एक जो स्पिरिट है कंपटीशन की वो पैदा होती है। साथ में जो बच्चे स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं पेपर्स, उनका खुद का रिजल्ट्स यहाँ पर भी देख सकते हैं। मॉक एग्जाम की प्रैक्टिस करती है स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन के लिए। तो यहाँ पर ग्रुप डी आ गया है और शो लिस्ट, तो इट मीन्स 3 टाइम्स सुजाता ने आज तक अभी तक दी है। जितने बार दी उतनी बार यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट हो जाएंगे, पेरेंट्स भी देख सकते हैं, उनके टीचर्स भी यहाँ पर ये कंटेंट्स को देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने, करेक्ट कितने आए, रॉन्ग कितने आए, बेसिक स्कोर क्या है, टाइम कितना लिया उसके लिए, कितना टाइम सेव किया, फिर टाइम सेव करने के वजह से कितने मार्क्स बढ़ गए, इस सभी को ऐड करते फाइनल स्कोर 103 आज तक का टॉप में आया है। तो स्टूडेंट्स एक दिन में 1 लाख बार भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसी तरीके से हमने यह रिपोर्ट सेक्शन देखा है और इसके वजह से बच्चों को जो बेनिफिट जा रहा है वह भी हमने देखा है। थैंक्स।